अचारों के अंदर अगर मिलावट होनी शुरू हुई तो हमने घर में अचार खाने बंद कर दिए, समस्या का समाधान तो अब भी नहीं हुआ, क्योंकि अचार खाने का मन करता है तो बाजार से मिलावटी अचार लाकर खाया जाता है। जब भी बाजार से अचार खरीदें तो कुछ चीजों की पुष्टि करें। पहली बात, अचार प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं होना चाहिए। हर चीज आप प्लास्टिक में ले सकते हैं, लेकिन अचार और सिरके को प्लास्टिक में मत लें, ये सीधा सीधा शरीर में जाके कैंसर बनाता है। दूसरी बात, जिस भी कंपनी का आप अचार ले रहे हैं उसके अंदर इस चीज की पुष्टि करें कि उसमें फ्रूट्स जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो डल रहे हैं जिससे वो अचार बनाए उसकी मात्रा कितनी है। फ्रूट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और स्पाइसेस से बना हुआ जो स्पाइसेस जो मसाले उसके अंदर डले हैं अगर प्रेफरेबली वो हाथ के कुटे हुए मसाले हो तो बहुत बढ़िया। तीसरी चीज जो उसमें ध्यान रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें तेल कौन सा डला है। वो तेल आंखों के सामने निकला हुआ शुद्ध तेल होना चाहिए, मार्केट से प्रोक्योर किया गया गंदा तेल इस्तेमाल अचारों में नहीं होना चाहिए। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ी। याद रखिएगा, हम जब भी किसी ऑर्गेनिक स्टोर पर अचार लेने जाते हैं तो दो ही तरह के अचार मिलेंगे, एक जिनमें प्रिजर्वेटिव नहीं डला हुआ, एक जिनमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है। अगर हम अचार के अंदर तेल और नमक की मात्रा बढ़ा देंगे तो प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जो अचार है वो थोड़ा तेल और नमक के साथ मिलेगा। तेल को कम निकालिए, अचार को ज्यादा निकालिए, आपका अचार अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपके अचार के कंटेनर में तेल और नमक की मात्रा नहीं है तो 100% उसमें हल्का सा प्रिजर्वेटिव डलेगा। अब यहां डिपेंड करता है कि वो प्रिजर्वेटिव की मात्रा इतनी कम हो कि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिक स्टोर पर जाते हैं इन पांच फैक्टर्स को डिटरमीन करके अपने लिए अचार खरीदें। अचार आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, नियमित मात्रा में खाए जाएं, सुरक्षित खाए जाएं, ऑर्गेनिक अगर खाए जाएं तो ये आपको फायदा करेंगे। भारत वंदे मातरम।